ने जहाँ पर स्ट्रेंथ कम है स्कूल्स में बच्चों की, और नज़दीक में ही उदाहरण के तौर पर 1.5-2 किलोमीटर में दूसरा हमारे पास वहाँ पर पाठशाला है, तो हम ऐसे स्कूल्स को मर्ज करें। स्कूल्स को तैयार करने की कोशिश अब हो रही है, सर कुछ नए कदम कैसे उठाए जाए? मैं समझता हूँ आज समय की आवश्यकता है कि हम अपने सिस्टम को, अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, कंसोलिडेट करें, उसका सशक्तिकरण करें, क्योंकि वर्तमान में अगर आप पूरा हिमाचल प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं से लेके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या की बात करेंगे, लगभग कुछ 16,000 से अधिक हमारे सरकारी संस्थान हैं, लेकिन आज आवश्यकता हो चुकी है कि समय के अनुसार इस तरह से, एक तरह से इनरोलमेंट में भी कमी आई है, बेहतर सुविधाएं बच्चों को मिले, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ उनके पास उपलब्ध हो। और इस विषय को लेके जब हाल में फाइनेंस कमीशन का भी हमारा हिमाचल का दौरा था, शिमला का दौरा था, काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा हुई, उनकी तरफ से भी सुझाव आया है जो पहले से ही मैं समझता हूँ हमारे विचाराधीन है, कि हमने जहाँ पर स्ट्रेंथ कम है स्कूल्स में बच्चों की, और नज़दीक में ही उदाहरण के तौर पर 1.5-2 किलोमीटर में दूसरा हमारे पास वहाँ पर पाठशाला है, तो हम ऐसे स्कूल्स को मर्ज करें। तो इस सोच के साथ पिछले वर्ष भी हमारे कई आपके less than 2, जहाँ पर 2 या 2 से कम बच्चे थे, डिस्टेंस भी नज़दीक था, तो इन स्कूल्स को मर्ज किया गया, 0 इनरोलमेंट के भी कुछ स्कूलों को मर्ज करके लगभग ये संख्या 700 के आसपास बनती है। और इस वर्ष भी मैं समझता हूँ हम ये प्रयास करेंगे कि जहाँ पर हमारी स्टाफ का कमी है, जहाँ बैच वाइज के माध्यम से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी अपनी, जहाँ पर मैं समझता हूँ इनरोलमेंट कम है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने 2 या less than 2 की बात कही है, वहाँ पर वहाँ का स्टाफ हमारे उन स्कूलों में जाएं जहाँ पर आपकी संख्या ज़्यादा बनती है। तो इन टोटल लगभग कोई 700-800 स्कूल है जहाँ पर हमारी संख्या बच्चों की काफ़ी कम है, और प्रथम चरण में हम उन्हीं स्कूल्स को चिन्हित करेंगे जहाँ पर आपका डिस्टेंस आपका 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। इस सोच के साथ हमारा, विशेषकर क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन में अधिकतर स्कूल है, हमारा डायरेक्टरेट अपना प्रारूप तैयार कर रहा है, और शीघ्र मैं इसमें इसके बारे में हम निर्णय लेंगे।